माँ के जादुई सोने के बाल। बहुत समय पहले की बात है, जब एक पीरागढ़ी नाम का एक गांव था। उसी गांव में सुलेखा नाम की एक लड़की अपनी माँ शीतल और पिता रामू के साथ हंसी खुशी से रहती थी। सुलेखा के पिता गांव से बाहर शहर में मेहनत मजदूरी किया करते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से घर का खर्चा चलता था। सुलेखा का रंग बहुत ही गोरा था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, परंतु उसके सर पर बहुत कम बाल थे, जिस वजह से उसकी कक्षा में सभी सहेलियां और पड़ोस के दोस्त उसे अलग अलग नाम से चढ़ाकर बुलाते थे। कोई सुलेखा को टकली कहता तो कोई गंजी, कोई उजड़ा चमन बोलता था तो कोई अमावस का चांद। इस तरह से उसके अड़ोस पड़ोस और स्कूल के बच्चों ने कई तरह के नाम उसे दे दिए थे। वो जब भी स्कूल जाती थी तो उसकी कक्षा के बच्चे उसे देखकर कहते थे, अरे देखो देखो, गंजी आ रही है। गंजी, इसके सर पर तो गिने चुने बाल है, उसे भी हवा में उड़ाते उड़ाते आ रही है। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, पता नहीं इसमें किस बात का घमंड है, बस पढ़ने में ही तो आगे है, रंग गोरा है तो क्या हो गया, सर पर बाल तो गिने चुने है ना। इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो खेतों के बीच में से रास्ता जा रहा हो। इसी तरह सभी लड़कियों उसका मजाक उड़ाती है। सुलेखा उनके बीच से गुजरती है, परंतु उनकी तरफ कोई इशारा नहीं करती और उन्हें अनसुना करके वहाँ से आगे निकल जाती है। इस तरह सभी बच्चे सुलेखा को सूरज चांद कहकर पुकारते हैं, परंतु सुलेखा उन्हें कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। बचपन से ही उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी। एक दिन सुलेखा स्कूल पहुंचती है तो उसके क्लास के कुछ शरारती लड़कियां उसे टकली और गंजी कहकर उसे बुलाते हैं। कभी कभी सुलेखा को बहुत ज्यादा दुख होता है तो वो रोते रोते वापस अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है, सभी के सर पर इतने घने बाल होते हैं, परंतु मुझे ऐसी क्या बीमारी है जो मेरे सर पर बाल नहीं है। कक्षा की सभी लड़कियां मुझे अलग अलग नामों से बुलाती है, मैं सबको सुन सुन के पक चुकी हूँ, अब मुझे और नहीं सुना जाता। माँ, कोई मुझे उजड़ा चमन कहता तो कोई टकली कहता है। क्या बात है बेटा, आज तुम इस तरह से रो रो कर मुझे सारी कहानी बता रही हो और मुझसे अजीबोगरीब प्रश्न कर रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दूसरों की बातों को दिल पर मत लिया करो, वो अभी बच्चे हैं और तुमसे मजाक करते हैं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है बेटा। माँ, फिर मेरे स्कूल की सभी लड़कियाँ मेरा मजाक क्यों बनाती है, बताओ ना माँ, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे सर पर बाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करती और ना ही किसी को कोई कष्ट देती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओह मेरी प्यारी बच्ची, वो सब तो पागल है, तुम नहीं जानती हो कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम तो मुझे कोई परी से कम नहीं लगती हो, और कौन कहता है कि तुम्हारे सर पर कम बाल है, कोई मेरे सामने बोलकर दिखाए मैं उसके टांगे तोड़ दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, सर पर बाल कम होने से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को हमेशा अच्छा और ईमानदार होना चाहिए। एक इंसान की पहचान हमेशा उसके कर्मों से ही होती है। तुम उन लड़कियों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखना, जब तुम कक्षा में प्रथम आओगी तो तुम उन सभी लड़कियों को जवाब दे पाओगी। ठीक है माँ, मैं अब से किसी भी लड़की की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी और मन से पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, इस बार भी मुझे कक्षा में प्रथम आना है। इसी तरह समय बीत रहा होता है। एक दिन सुलेखा की माँ बाजार जाती है। बाजार से वो घर के लिए साग सब्जियाँ, फल और कुछ कपड़े खरीद कर ला रही होती है। तभी रोड क्रॉस करते समय एक कार से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी बड़ी कार दुर्घटना देखकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और उस भीड़ में उसका एक पड़ोसी भी होता है, जो सुलेखा को फोन करके उसे बुला लेता है। सुलेखा तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और एम्बुलेंस के द्वारा अपनी माँ को घर ले आती है और उसके बाद वो अपने पिता को फोन करके घर पर बुला लेती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया, तुम हमें छोड़कर कैसे चली गई हो,
भाग्यवान, मुझसे क्या गलती हो गई थी जो इस तरह बिना बताए तुम चली गई? अभी हमारी बेटी कितनी छोटी है, उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है। सुलेखा के पिता बहुत रोते हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपनी बेटी और खुद को संभालते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, परंतु काम के सिलसिले से सुलेखा के पिताजी को अक्सर शहर जाना पड़ता था, जिस वजह से सुलेखा घर में अकेली रह जाती थी। कभी कभी सुलेखा के पिता सुलेखा को अपने साथ ले जाते थे, जिस वजह से सुलेखा की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। सुलेखा के पिता को जब ये एहसास होता है कि सुलेखा की पढ़ाई खराब हो रही है, तो वो पड़ोसियों के समझाने पर एक दूसरा विवाह कर लेता है, जिसका नाम शकुंतला होता है। शकुंतला सुलेखा की सौतेली माँ होती है और वो घर आते ही सुलेखा पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। सुलेखा, ओ सुलेखा की बच्ची, कहाँ मर गई है? बहुत दिन हो गए हैं तुझे घर के काम किए हुए। पापा ने तुझे सर पर बैठा रखा है, अब मैं तुझसे घर के सभी काम करवाऊंगी और तू मेरे घर के काम करने में मदद करेगी, समझ गई? ठीक है माँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। वैसे भी हमारा घर बहुत बड़ा है, आप अकेली नहीं कर पाएंगी, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और उस दिन के बाद से शकुंतला सुलेखा से घर के सारे काम करवाने लगती है और खुद सेठानी की तरह रहती है। परंतु सुलेखा बिना कुछ कहे काम बहुत अच्छे से कर रही थी और अब शकुंतला को भी एक लड़की होती है। शकुंतला अपनी बेटी का नाम कोमल रखती है। शकुंतला अपनी बेटी की देखभाल दिन रात करती है और उसकी हर खुशी का ध्यान रखती है और वो अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार करती है और सुलेखा के साथ अत्याचार करती है। इसी तरह से समय बीत रहा था। अब शकुंतला की बेटी कोमल बड़ी हो जाती है और शकुंतला और उसकी बेटी मिलकर सुलेखा का जीना हराम कर देते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर सुलेखा को बहुत चिढ़ाते हैं। बाहर के लोगों के ताने सुन सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी और अब उसे घर में भी उन तानों से गुजरना पड़ रहा था। एक दिन सुलेखा अपने सभी काम खत्म करके अपने कमरे में बैठी हुई होती है, तभी वो रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर के आगे कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? आपने मुझे एक साहसी लड़की बनाया था, परंतु अब इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरा मजाक बना दिया है। अब मुझे और नहीं सहा जाता माँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपको अपने सभी दुख बताना चाहती हूँ और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। माँ मुझे सुन रही हो ना आप? रोते रोते सुलेखा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। सुलेखा बहुत गहरी नींद में होती है, तभी वो देखती है कि उसके सपने में उसकी माँ परी बनकर आती है और उसे सोने के बाल देते हुए कहती है, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम अपने कम बालों की वजह से बहुत परेशान हो और तुम्हारी माँ और बहन भी तुम्हें कम बालों की वजह से बहुत परेशान कर रही है, परंतु यह जादुई सोने के बाल है, तुम इन्हें अपने सर पर लगा लो, उसके बाद तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर सब लोग तुमसे अच्छी तरह से बात करेंगे। इतना कहकर सुलेखा की माँ गायब हो जाती है। सुलेखा जब उठती है तो वो देखती है कि उसके टेबल के ऊपर सोने के बाल रखे हुए हैं। वो उन बालों को अपने सर पर लगा लेती है। वो बाल एकदम चमक रहे होते हैं क्योंकि सोने के बाल जादुई थे। और सुलेखा के पास खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। सुलेखा भोजन खा लेती है। सुलेखा घर के काम करने के लिए नीचे जाती है। सुलेखा के सर पर बाल देखकर शकुंतला और उसकी बेटी दोनों हैरान हो जाते हैं। सुलेखा बहुत सुंदर हो गई थी, जिसे देखकर अब कोमल को बहुत ज्यादा जलन होती है। हे भगवान, ये रातों रात कैसा चमत्कार हो गया जो ये सुलेखा की बच्ची इतनी खूबसूरत हो गई है और इसके सर के ऊपर इतने सुनहरे बाल आ गए हैं। मुझे पता लगाना होगा आखिर ये सब कैसे हुआ है। बालों का रहस्य जानने के लिए कोमल सुलेखा के पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है और उससे सारी बात जान लेती है। अब कोमल भी खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए वो सुलेखा के सर के ऊपर से
बाल उतारकर अपने सर पर लगाती है। सर पर बाल लगाते ही कोमल का रंग काला हो जाता है और उसके चेहरे पर दाने हो जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुमने मेरे साथ छल किया है। इसे पहनने के बाद तो तुम एकदम खूबसूरत हो गई थी, परंतु जैसे ही मैंने इसे पहना, मैं इतनी काली और बदसूरत कैसे हूँ? जल्दी से मुझे उपाय बता दो, मुझे ठीक कर दो, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कोमल। जादुई सोने के बाल लगाने के बाद कोमल बहुत रोती है। तभी सोने के बालों में से आवाज आती है, तुमने सुलेखा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अगर तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता तो शायद तुम्हें कभी ये अनुभव नहीं होता कि सुलेखा को कितना बुरा लगता है जब तुम सुलेखा को इस तरह चढ़ाती हो। अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें इसी तरह रहना होगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी भी किसी के साथ व्यवहार नहीं करूंगी, परंतु मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे बात कि अब आगे से कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। सुलेखा समझ जाती है कि कोमल को अपनी गलती का पछतावा हो गया है और वो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सुलेखा जादुई बालों से कहकर कोमल को पहले की तरह कर देती है और उसके बाद कोमल अपना बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं करती और उसके बाद से कोमल अपनी बहन सुलेखा के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।